हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर, रिटन बाय मिगेल डी सर्वांटेस। मेनी इयर्स अगो देयर लिव्ड इन स्पेन अ वेरी ओल्ड फैशन जेंटलमैन होम यू वुड हैव बीन ग्लैड टू नो। This gentleman had so many odd ways and did so many strange things that he not only amused his neighbors and distressed his friends but made himself famous throughout the world. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम लोग पढ़ते पढ़ते हिंदी में एक्सप्लेन भी करेंगे और समझेंगे। मेनी ईयर्स एगो स्पेन में क्या एक ओल्ड फैशन जेंटलमैन रहते थे, जो कि हमेशा जिनके बारे में तुमको जानना अच्छा लगेगा, जो जेंटलमैन क्या करते थे, हमेशा ऑड वेज, कुछ ऑड काम करते थे, स्ट्रेंज थिंग्स करते थे, जिससे क्या उनके जो नेबर्स थे वो बहुत ही अम्यूज्ड हो जाते थे और फ्रेंड्स जो थे वो डिस्ट्रेस्ड होते थे। और फ्रेंड्स यानी क्या, फ्रेंड्स के लिए बहुत ही पेनफुल था डिस्ट्रेस होना, ये ऐसे ऐसे अजीब चीज़ करते थे। पर इसके वजह से क्या था ना कि वो बहुत फेमस थे, बहुत ही फेमस थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। What his real name was, no one outside of his village seemed to know. Some said it was this, some said it was that, but his neighbors called him the good Mr. Kihana. यहाँ पे आप लोग देखो नीचे प्रोनाउंसिएशन दिया है Kihana, ओके। ये जो स्पेन का प्रोनाउंसिएशन, यहाँ का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा तो अलग है, तो यहाँ पे ऐसे होगा ये मिस्टर Kihana, एंड नो डाउट दिस वॉज करेक्ट। ही वॉज जेंटल एंड काइंड। तो उनका नाम एक्चुअली में क्या था, कोई बोलता था ये था, कोई बोलता था ये है, पर क्या उनके नेबर्स उनको बोलते थे गुड मिस्टर Kihana। He was gentle and kind and very brave and all who knew him loved him. वो बहुत ही kind थे, so this was the personality. He was very kind, brave and everyone loved him. तो यहाँ से आपको पूछ सकते थे कि वो कैसे थे। He had neither wife nor child. उनके वाइफ नहीं थे, चाइल्ड नहीं थे। He lived with his niece in his own farmhouse close by a quiet little village इन द प्रोविंस ऑफ लामांचा। तो यहाँ पे देखो उनके क्या, उनके वाइफ नहीं थे, चाइल्ड नहीं थे, वो अपने नीस के साथ रहते थे एक फार्म हाउस में, जो कहाँ पे था, जो एक विलेज, जिसका एक विलेज में था, वो कहाँ पे था, लामांचा, लामांचा में एक विलेज में वो रहते थे। हिज नीस वॉज नॉट ये 20 ईयर्स ऑफ एज। नीस का एज 20 ईयर्स से कम था। सो द हाउस वॉज केप्ट एंड मैनेज्ड बाई एन ओल्ड सर्वेंट वुमेन हु वॉज मोर विंकल्ड देन वाइस। जो एक वुमेन थे जो कि पूरा काम संभालते थे, वो कैसे थे, रिंकल थे एंड देन वाइस, यानी कि उनका एज जितना था उतना वो वाइस नहीं थे, यही यहाँ पे समझाया गया है। मोर टॉकेटिव, वो बहुत ही टॉकेटिव भी थे। A poor man who lived in a cottage. Next page. Nearby was employed to do the work on the farm. और farm का कौन काम कौन देखते थे, एक old man जो कि nearby village में रहते थे। And he did so well that the master यहाँ पे कौन, Mr. Kihana had much leisure time. वो ओल्ड मैन इतना अच्छा अपना काम करते थे कि मास्टर को बहुत सारा टाइम, लेजर यानी विश्राम के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता था। वॉज ट्रबल्ड बट लिटिल विद द केयर्स ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस का इतना केयर उनको करना नहीं पड़ता था। मिस्टर Kihana was rather odd in his appearance and dress, as all old fashioned gentlemen are apt to be. वो old fashioned gentlemen की तरह ही वो कपड़े पहनते थे, उनके appearance, dress ऐसा ही था। He was more than 50 years of age and quite tall and slender. तो देखो अभी
बताया जा रहा है कि उनका एज कितना था, मोर देन 50 ईयर्स. वो क्वाइट टॉल, थोड़ा लंबा भी थे और स्लेंडर थिन भी थे. हिज फेस वॉज थिन, हिज नोज वॉज लॉन्ग, हिज हेयर वॉज टर्निंग ग्रे. धीरे धीरे उनके हेयर जो है वो ग्रे होना स्टार्ट किए थे. ही ड्रेस्ड वेरी प्लेनली ऑन वीक डेज. ही ओर अ कोर्स ब्लाउज एंड ब्लू ट्राउजर्स. तो बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनते थे वीक डेज में, एकदम सिंपल वहाँ का जो ड्रेस है, कोर्स ब्लाउज और ब्लू ट्राउजर्स वो पहनते थे. होम स्पन स्टाफ, जो कि घर के ही चीज़ों से, घर पे ही बनाया गया हुआ, बहुत ही सिंपल तरह का ड्रेस वो पहनते थे. ऑन संडेज हाउएवर ही पुट ऑन अ प्लास कोट and short velvet breeches and soft slippers with silver buckets. तो देखो, पर संडेज में वो अच्छा कपड़ा पहनते थे, एम्ब्रॉयडरीड एक्सपेंसिव कपड़ा पहनते थे. और इन द विलेज, इन द हॉलवे ऑफ हिज ओल्ड फैशन्ड हाउस, द शॉर्ट रस्टी शोर्ड वॉज ऑलवेज हैंगिंग एंड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल वेयर अ रस्टी लांस एंड अ बिग रॉ हाइट शील्ड. तो देखो यहाँ पे उनके हॉल में, इन द हॉल वे ऑफ हिज ओल्ड फैशन हाउस, उनके घर भी ओल्ड फैशन थे, पर वहाँ पे क्या था, हॉल वे में एक शॉर्ट रस्टी शोर्ड, एक शोर्ड जो है वो कि शॉर्ट है, रस्टी है, ऐसे एक शोर्ड हैंगिंग करता था. एंड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल वेर रास्टी लांस एंड बिग रॉ हाइट शील्ड. और वहाँ पे और क्या था, और वहाँ पे था लांस, क्या है, लॉन्ग वेपन तरह का जो है, जो हॉर्स राइड करते थे सोल्जर्स, उनके हाथ में होते थे लॉन्ग एकदम शार्प पॉइंटेड एक वेपन, वो है लांस. तो यहाँ पे था और क्या था, एक था रॉ हाइट शील्ड, यानी एनिमल की स्किन से बना हुआ शील्ड. जब जब सोल्जर्स वार में जाते थे, हाथ में शील्ड नहीं लेते वैसा. दिस वेपन्स हैड बिलोंग्ड टू हिज ग्रेट ग्रैंडफादर लॉन्ग अगो व्हेन मेन न्यू बट लिटिल अबाउट गन्स एंड गन पाउडर्स. तो ये सारे जो वेपन्स, ये अभी में तो यूज़ नहीं होता, बहुत पहले यूज़ होता था. तो ये सब थे उनके मिस्टर किहाना के ग्रैंडफादर के, उस टाइम में जब क्या, ह्यूमन को इतना ज़्यादा नहीं पता था किसके बारे में, गन्स के बारे में, गन पाउडर्स के बारे में इतना नहीं पता था, तब ये सब तब के टाइम के ये है मिस्टर किहाना के ग्रैंडफादर के. ऑन द किचन डोरस्टेप एंड ओल्ड ग्रेहाउंड वाज ऑलवेज लाइंग. और किचन के डोरस्टेप में क्या रहता था, एक ग्रेहाउंड जो कि एक तरह का डॉग है वो हमेशा रहता था. दिस डॉग वाज वेरी लीन एंड स्लेंडर. एंड अगर तुम लोग ये डॉग का पिक्चर देखे होंगे नेट में देख सकते हो, तो ये कैसा है, लीन है, स्लेंडर. एंड हिज हंटिंग डेज हैड लॉन्ग बीन पास्ट. और ये क्या, ये हंटिंग डेज पास्ट हो गया, यानी इसका भी एज हो गया. बट ऑल ओल्ड फैशन जेंटलमैन कीप्ड ग्रेहाउंड्स इन दोज डेज. पर उस टाइम में ये एक फैशन ही था, जो भी ओल्ड फैशन जेंटलमैन है, जो कि जिनका फैशन ओल्ड है, वो हमेशा घर पे ऐसे डॉग रखते थे. इन द बार्न देयर वॉज द हॉर्स एंड एज ओल्ड एंड एज लीन एज द ग्रेहाउंड. यहाँ पे देखो, बार्न में एक हॉर्स भी था जो कि इस डॉग की तरह ही ओल्ड था और ऐसे ही लीन था. बट ऑफ दिस हॉर्स आई विल टेल यू मच मोर इन द कोर्स ऑफ माई स्टोरी. पर इस स्टोरी में हम लोग इस हॉर्स के बारे में और भी जानेंगे. लाइक मैनी अदर जेंटलमैन, मिस्टर किहाना डिड नॉट वर्क मच. He spent almost all his time in reading. तो किहाना ज़्यादा काम नहीं करते थे, वो अपना ज़्यादातर टाइम क्या करने में बिताते थे, पढ़ने में. He was seldom seen without a book in his hand. When the weather was fine, तो बहुत ही कभी कभी होता था ऐसा कि उनके हाथ में बुक नहीं दिखाई देता था. When the weather was fine, he would sit in his little library
or under the apple tree in his garden and read all day. He often forgot to come to his meals. He was so wrapped up in his books that he forgot his horse, his dog and even his niece. तो देखो उनको बुक्स पढ़ना इतना ही पसंद था कि वो कभी कभी खाना भूल जाते थे, अपने डॉग के बारे में, हॉर्स के बारे में, यहाँ तक कि नेस के बारे में भी भूल जाते थे. ही फॉरगॉट हिज फ्रेंड्स, ही फॉरगॉट हिमसेल्फ. समटाइम्स ही सैट अप एंड रीड ऑल नाइट. नाउ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू सपोज ही रीड? He read no stories, nor books of travel. He carved nothing for poetry or philosophy. His whole mind was given to stories, stories of knights and their daring deeds. तो किस तरह के बुक वो पढ़ते थे? उनको हिस्ट्री, फिलोसॉफी ये सब बुक नहीं पसंद था. उनको पोएट्री में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था. क्या बुक वो पढ़ना पसंद करते थे? वो नाइट्स के बारे में और उनके ग्रेट स्टोरीज़ के बारे में वो पढ़ना पसंद करते थे. नाइट्स यानी वो सोल्जर्स. ही रीड सो मैनी ऑफ द स्टोरीज दैट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. उनको ये वो इतने सारे ये स्टोरीज, वो जो ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव नाइट्स के बारे में वो इतने स्टोरीज पढ़ चुके थे कि उनको इसके अलावा और कुछ नहीं वो सोच सकते थे. नेक्स्ट पेज. हिज हेड वॉज फुल ऑफ नाइट्स एंड नाइटी डेड्स. तो देखो नाइटली डेड्स और नाइट्स ये सब उनके हेड में था और कुछ नहीं. ठीक है. ऑफ मैजिक एंड एंड विचक्राफ्ट, ऑफ टूर्नामेंट्स एंड बैटलफील्ड्स. तो वो क्या हमेशा सोचते रहते थे? नाइट्स और नाइटली डेड्स, उनके जो ग्रेट वॉक और क्या मैजिक और बैटलफील्ड, ये सब के बारे में वो सोचते रहते थे. इफ़ ही हैड रीड लेस ही वुड हैव बीन वाइजर, फॉर मच रीडिंग डज नॉट ऑलवेज इम्प्रूव हिज माइंड. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इफ़ ही हैड रीड लेस, अगर वो थोड़ा कम पढ़ते, ही वुड हैव बीन वाइजर. तो लगता है कि उन वो थोड़ा और वाइज होते. पर फॉर मच रीडिंग, इतना ही ज़्यादा पढ़ चुके थे, डज नॉट ऑलवेज इम्प्रूव द माइंड. इस कभी कभी क्या ये माइंड को इम्प्रूव नहीं करता इतना ज़्यादा कोई एक चीज़ के बारे में पढ़ना, ऐसा बताया जा रहा है. एट लेंथ दिस ओल्ड फैशन जेंटलमैन सेड टू हिमसेल्फ, व्हाई शुड आई ऑलवेज बी अ प्लेन फार्मर एंड सिट हियर एट होम? Why may I not become a famous knight? तो कभी कभी वो अपने से क्या बोलते थे, वो कभी कभी अपने खुद को बोलते थे, क्यों यहाँ पे बैठ के हम एक सिंपल एक फार्मर की तरह रहे, क्यों हम भी एक नाइट नहीं बन सकते? The more he thought about this matter, the more he wished to be a hero like those of whom he had read in his books. तो वो अपने बुक्स में जो हीरोज़ के बारे में पढ़े हैं, तो वो सोचते सोचते क्या वो वैसा ही होना चाहते थे. ठीक है. वन ऑफ देम होना चाहते थे. यस आई विल बी अ नाइट, ही सेड टू हिमसेल्फ. माई माइंड इज़ फुल्ली मेड अप. आई विल आर्म माई सेल्फ इन अ कोट ऑफ मेल. तो वो क्या बोले? यस हम भी अभी वो डिसाइड कर लिए कि हाँ मुझे भी नाइट्स बनना है और इसके लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट किए. तो सबसे पहले क्या किया? आई विल आर्म माई सेल्फ इन अ कोट ऑफ मेल. कोट ऑफ मेल यानी आर्मर, जो बॉडी को गार्ड कर दे लिए सोल्जर्स पहनते थे ना बॉडी को गार्ड करते हुए, वो ही है आर्मर. तो वो सबसे पहले एक आर्मर अपने लिए निकाले. आई विल माउंट माई नोबल स्टीड. और क्या वो बोले कि आर्मर, ये हम आर्मर लेंगे और क्या लेंगे? नोबल स्टीड. नोबल स्टीड, स्टीड ये क्या है? हॉर्स. ठीक है, जो राइडिंग करते हैं जिस हॉर्स पे, वो हॉर्स. और क्या? आई विल राइड आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एडवेंचर्स. और ये सब पहन के, आर्मर पहन के, घोड़े पे चढ़ के हम क्या करेंगे? वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स, इस एडवेंचर भरे दुनिया में हम निकलेंगे. नो डेंजर्स शैल अफ्राइट मी,
कोई भी डेंजर मुझे डरा नहीं सकता. विथ माई स्ट्रॉन्ग आर्म आई विल गो फॉर टू प्रोटेक्ट द वीक एंड टू बीफ्रेंड द फ्रेंडलेस. तो क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रेंथ से उनको प्रोटेक्ट करेंगे जो वीक है, जो वीक है, और जिनका फ्रेंड नहीं है कोई उनका हम फ्रेंड बनेंगे. यस आई विल बी अ नाइट, हम नाइट बनेंगे. एंड आई विल फाइट अगेंस्ट एरर वेर एवर आई फाइंड इट. हम कहाँ कहीं पर भी मुझे कोई एरर दिखाई दिया, कुछ गलत दिखाई दिया, तो उसके लिए हम फाइट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस स्टोरी. इस नेक्स्ट पार्ट आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए.